हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। जैसा कि आपको पता है कि गैटबी के रिजल्ट निकलने के बाद तमाम इंस्टीट्यूट्स अपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स निकाल रहे हैं मास्टर के कोर्सेज के लिए। इसी सीरीज में हम कंटिन्यूसली आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के जो प्रोग्राम्स हैं और उनके एप्लीकेशन फॉर्म्स के बारे में जैसे जैसे वो नोटिफाई कर रहे हैं। तो आज इसी सीरीज में मैं एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ जिसमें मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट मॉलिकुलर बायोलॉजी है उसके बारे में बताने वाला हूँ क्योंकि उसका फॉर्म भी निकल आया है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे दिया जाने वाला कंटेंट आपको पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि यही एकमात्र तरीका है जिससे हम अपनी रीच बढ़ा सकते हैं और ऐसे स्टूडेंट्स तक भी पहुँच सकते हैं जिन तक इन्फॉर्मेशन नॉर्मली नहीं पहुँच पाती। अपार्ट फ्रॉम दैट ये हमारे लिए कंटिन्यूस मोटिवेशन जैसा भी रहता है ताकि हम आपके लिए और बेहतर कंटेंट ला सकें। तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए, ये लिंक है और ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी दे दूंगा ताकि आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके आ सकें। इससे रिलेटेड जो भी PDFs होंगी उनको मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर पोस्ट कर दूंगा, आप वहाँ से भी जाके एक्सेस कर सकते हैं। अब आप नीचे स्क्रॉल करिए तो यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन 2024-25। अब ये किस चीज़ का MSc प्रोग्राम है? MSc प्रोग्राम इन प्लांट मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, इसको शॉर्ट में PMBB भी बोलते हैं और ये जो डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट मॉलिकुलर बायोलॉजी के अंडर में ये आता है। टोटल मिला करके यहाँ पे 25 सीटें हैं और दो तरीके से यहाँ पे एडमिशन लिया जाता है। एक स्ट्रीम तो CUET के थ्रू एडमिशन प्रोवाइड करती है, तो अगर आपने CUET के थ्रू मतलब अप्लाई किया हो, CUET का फॉर्म भरा हो, उसमें आपकी बढ़िया रैंक हो तो उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। और स्ट्रीम टू जो है वो गैटबी के थ्रू है। अगर आप देखें तो CUET के थ्रू 15 सीटें दी जाती हैं और गैटबी के थ्रू 10 सीटें दी जाती हैं। यही चीज़ यहाँ पे भी लिखा हुआ है बट थोड़ा सा और डेप्थ में अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पे डाइवर्सिफाई कर दिया गया है। जैसे कि अगर मैं अभी गैटबी के लिए वीडियो बना रहा हूँ तो गैटबी में 10 सीटें यहाँ पे हैं और टोटल मिला करके इसमें अनरिजर्व कैटेगरी की 4 सीटें, OBC NCL की 3, SC की 1, ST की 1 और EWS की 1 सीट होगी। अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए यूनिवर्सिटी मतलब अपने जो आपका जो बैचलर्स डिग्री होगा बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स या साइंस में वो एक रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए और आपका एग्रीगेट 50% मार्क्स होना चाहिए। अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए ये इसमें कुछ छूट है, 45% मार्क्स या इक्विवेलेंट होना चाहिए CST कैंडिडेट्स के लिए। और ये जो मैंने 50% मार्क्स बताया था ये अनरिजर्व कैटेगरी EWS OBC NCL के लिए है, 45% मार्क्स SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए है। अब अगर हम नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएं तो एडमिशन प्रोसीजर निकाल लिखा हुआ है कि अगर आप मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो ऊपर मैंने बताया है वो पूरा करते हैं तो आप यहाँ का फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे स्ट्रीम टू में गैटबी का फॉर्म भरने के लिए ये जो फॉर्म का लिंक है वो दिया हुआ है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप एक नए पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएंगे और वो ये पेज है। तो रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन टू DBT गैटबी प्रोग्राम, यहाँ पे आपको अपने गैटबी के एप्लीकेशन नंबर भरना है और यहाँ पे एप्लीकेंट का नाम भरना है। यहाँ मतलब पूरा तरीके से एक तरीके से आप देख सकते हैं कि ये एक पूरा फॉर्म है, इस फॉर्म को आपको पूरा भरना पड़ेगा। दूसरी चीज़ आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जब भी आप अप्लाई करेंगे यहाँ पे तो आपको थोड़ी सी फीस देनी पड़ेगी, ज़्यादा नहीं है। अनरिजर्व OBC NCL EWS कैटेगरी के लिए ₹250 देने पड़ेंगे और SC ST PWD कैंडिडेट्स को ₹100 देना पड़ेगा। तो ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक, अब हम वापस जाते हैं और यहाँ पे देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन पे पहले आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आप जब रजिस्टर हो जाएगा तो उसके बाद आप लॉगिन करके पूरा फॉर्म भर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अभी हम बैक जाते हैं और एक दोबारा चीज़ें देख लेते हैं कि एलिजिबल कैंडिडेट्स हु विश टू रजिस्टर फॉर बोथ स्ट्रीम्स, अगर आप बोथ स्ट्रीम्स में भरना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? मस्ट यूज़ सेपरेट ईमेल आईडीज़। अगर आप एक ही ईमेल आईडी से करेंगे तो नहीं हो पाएगा, दोनों में अलग अलग ईमेल आईडी आपको गैटबी के लिए अलग और CUET के लिए अलग ईमेल आईडी आपको यहाँ पे यूज़ करनी पड़ेगी। अच्छा, अगर हम देखें तो रजिस्ट्रेशन की जो डेट है, रजिस्ट्रेशन बिगिंस ऑन CSE SPG पोर्टल, ये 25 अप्रैल से को शुरू हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन क्लोज की डेट जो है वो 5 जून 2024 है। करेक्शन विंडो जो है वो 5 से 12 जून 2024 तक लगेगी। तो आप इसको देख सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। कल तक मतलब ये अभी फ़िलहाल कल तक के लिए ये विंडो ओपन है, आप इसको फॉर्म ज़रूर ज़रूर फिल कर दीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बाकी आपको मैंने सारी डिटेल्स दे दी, इसका लिंक वगैरह दे दिया, आप इसमें डिटेल्स देख करके अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करके फॉर्म ज़रूर फिल कर दीजिएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है और डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है।
अगर आप कोर्स स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं तो यहाँ पे एमएससी पीएमबीबी का सिलेबस दिया हुआ है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। कोई अगर आपको डाउट है तो आप हेड जो यहाँ के डिपार्टमेंट के हैं प्रोफेसर संजय कपूर सर, उनसे मेल पे आप डिस्कस कर सकते हैं। और एक और जो डीपीएमबी एडमिशन कोऑर्डिनेटर हैं वो डॉक्टर कमल कुमार सर हैं, इनका ईमेल आईडी और इनका कॉन्टैक्ट डिटेल भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो उम्मीद है कि इन्फॉर्मेशन यूजफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।